नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे जी दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल वजीफा 786। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे नई से नई। प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल वजीफा 786 आपको रोज नई वीडियो, नए ताबीज, नए नक्श, नए वजीफे, नई दुआ लेकर हाजिर होता है। इंशाल्लाह हर चीज के बारे में आपको ताबीज, हर चीज के बारे में नक्श, वजीफा, ताबीज सब चीज मिलेगी ऑल टोटल। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, इतना पावरफुल अमल है, इतना पावरफुल नक्श है, इतना पावरफुल ताबीज है, इसको लेकर हाजिर हुए। इंशाल्लाह इसमें आप लोगों को सबको पूरी कामयाबी मिलेगी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से, पीर वलियों की दुआ से। प्यारे दोस्तों, इतना पावरफुल ताबीज है, ये आप लोगों को नहीं पता ये किस लिए बनाया गया है, किस काम के लिए बनाया गया है, किस चीज के लिए बनाया गया है, ये चीज मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कि लोगों को खटमल से बड़े परेशान होते हैं, कोई भी लोग होते हैं खटमल से अपने घरों में, अपनी चारपाई में, मकान में खटमल से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और इससे बचने के लिए कोई भी कोशिश करते रहें वो नाकाम होती रहती है, कोई भी कोशिश करते रहें वो नाकाम होती रहती है। प्यारे दोस्तों, बावजूद खटमलों की संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि बढ़ोतरी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती हैं, खटमल आपके मकान में, आपकी चारपाई, दुकान, जिस चीज़ में भी खटमल होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बढ़ोतरी होगी, ज्यादा ज्यादा बढ़ेंगी खटमल। प्यारे दोस्तों, से परेशानी बचने के लिए ये ताबीज, ये नक्श हमने तैयार किया है। ये ताबीज, ये नक्श किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से नहीं बनेगा, ये नक्श का जो है काम लें, और या जो भी काम लें इंशाल्लाह इसको सही तरीके से काम करें, बाकी की हालत में काम करें, वाइट कागज पर इसका जो है इस्तेमाल करें, और वहाँ पर उस जो जहाँ पे भी आपके मकान में, दुकान में, जहाँ पे भी खटमल हो तो आप उस जगह में अगर आप पानी में घोल कर ये छिड़क सकते हैं तो छिड़क दें मकान में, जहाँ पे भी अगर आपके यहाँ खटमल है ना तो जो है मकान में टांग दें तो खटमल वहाँ से कभी दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़रूरी नहीं ये किसी खटमल को खिलाना दिखाना कुछ नहीं, अगर आप पानी में भिगो दें इसको, पानी में जो है इसको पूरा गला लें, और पानी फिर पूरे मकान पर जहाँ जहाँ आप खटमल लगते हों या दुकान मकान कहीं पे भी, तो आप उस जगह पे जो है सही तरीके से इसको बढ़िया तरीके से पानी से जो है डाल दें, और इंशाल्लाह जहाँ जहाँ तक ये पानी जाएगा, जहाँ जहाँ तक ये पानी की तासीर होगी, ये खटमल वहाँ तक दूर से दूर नज़र लग दिखाई नहीं देंगे, आपके मकान से कति बहुत दूर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। इतना पावरफुल ताबीज, इतना पावरफुल नक्श है, इसको सही तरीके से ही बनाएं, जिस तरीके से मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ इसी तरीके से बनाएं। प्यारे दोस्तों, आपको मैं बनाकर दिखाता हूँ किस तरीके से बनेगा, देखिए आप। प्यारे दोस्तों, ये ताबीज, ये नक्श बनाकर रेडी कर दिया गया है। आप लोगों को ये पता ही होगा ये आर्ट है उर्दू में। अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा भी दिया है इसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है आपको। प्यारे दोस्तों, आपको मैंने सही आसानी से आपको मैंने बता दिया, आसानी के तरीके आपको मैंने समझा दिए गए हैं, क्योंकि वाइट कागज़ पर आप वाइट कागज लेंगे उस पर काले मार्के से या नीले मार्के से लिख सकते हैं, इसको पानी में घोल कर, इसको पानी मिलाकर कतई घोल लें इसको बढ़िया तरीके से, गल जाए पानी के अंदर। आप पानी और भी मिला सकते हैं उसमें, मकान के चारों तरफ छिड़कते हैं, जहाँ जहाँ पर आपको खटमल दिखाई देते हैं वहाँ पर छिड़कते हैं, इंशाल्लाह खटमल दूर से दूर नज़र नहीं आएगा, आपके घर के मकान के आसपास में खटमल दिखाई नहीं देगा इंशाल्लाह। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं वजीफा 786 पर, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक नई से नई पहुँचती रहे, नए से नए ताबीज, नए से नए वजीफे, नए से नए दुआ, नए से नए नक्श मिलते रहेंगे आपको, और मिलते हैं इंशाल्लाह इसमें
कामयाबी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुल खिलेंगे, गुलशन खिलेंगे, जिंदगी बाखर रही तो फिर मिलेंगे।